कि मैं मना मना हारो लेकिन जे अपनी ठान है कि जे लड़कन खोतोरी और सबरे चीजन खोतोरी एक पप्पी जाने समझा समझा हारो कर रही है आपका इतारो समझा समझा हारो दे रही हो इतारो ऐसे तो बातन में हो जाए वो भंसारो क्या बात है नहीं क्या रुपया हमारे चतुर सिंह पाल ग्रामीण मंत्री मंडल उनकी तरफ से इस कार्यक्रम के आयोजक हैं इन क्या रुपया है आशीर्वाद हमारी तरफ से छोटे भैया के लाने नेताजी हमें हरगोविंद भाई साहब कह रहे हैं कम है यार पैसा लेकिन हम तो तुमसे एक ही निवेदन कर रहे हैं बोले के समझा समझा मारो तुम्हारे सब जीवन की तरफ से हम विनती कर रहे हैं इनसे के समझा समझा हारो दे रही हो काय तारो ऐसे तो बातन में हो जाए तो भर सारो एक शुक्र भैया तीन दोस्त लड़ा ले बछौने वाले उनकी तरफ से हैं वे क्या कह रहे हैं कि बस मन भर दो इनको बस मन भर दो इनको जो काम चलाने हैं ऐसे तो बातन में तुम्हें उनके अंदर की भावना नहीं समझ पाई विचार की आत्मा का कह रही है जे लड़का उकते आ रहे और आपस में बकरा रहे लेकिन मन की जे बात तुमसे खुल के नहीं कह पा रहे क्या बात है तीन दोस्त वाले बछौने के रहने वाले नेहा कौशल पाल जी बड़ो ध्यान करने हमारे बेचारे को इनकी सुनो तो क्या कह रहे क्या कह रहे तुम तो हमें कह रहे जाओ हाथ धर के देखो छाती पे उनकी तुम्हारी समखा रहे भीतर वाले में बिल्कुल तसल्ली नहीं और कहा के जे लड़का उकतिहार है और आपस में बतरार है लेकिन मन की जे बात तुमसे खुल के नहीं के पा रहे तुम्हें पता है चार ना की चांदनी फिर अंधेरी रात क्या करे अबे जो मौका है ऐसे जीवन में दोबारा मिलो ना मिलो अच्छा के बालक हीरा सोतन बालक हीरा सोतन अरे मट्टी हो ऐसे तो अबे बिहार बना लो एहसान कर लो कछु बुढ़ापे में काम आया है अच्छा और का लेन देन कर दू ना का करो जो व्यवहार हमें नहीं बनाऊ ने के इन लड़कन खोतोरी बचपन ना बारे में खोतोरी लेकिन हमें पप्पी तो नहीं दे सका लेकिन एक चीज जरूर दे सका कैसे बेचारे बहुत परेशान है यही से कह रहे हैं कहा के ले लो लाला चूस के देखो जो तो हमें लगा पप्पी से भी कर रहे हो कहा है पनवेसर कहा चुखा रही हूँ
और कहा दे रही हूँ पप्पी नहीं दे सके लेकिन सुनो कहा दे सके कहा दे सके तुम अरे ले लो लाला चूस के दे दे सो मन भर जाए तुम्हारा ऐसी चीज देखे जिसको मार दे ऐसी जल्दी मत आओ लाल का पकड़ लगी हमें तो समझ नहीं और अच्छा हाँ लेकिन अरे नंबर बने हैं आम हम इतने कर रहा हूँ मैं तुम्हारा हाँ जो बताओ कार पच्चे किलो है पन में से 200 रुपया किलो है कितने एक बजे के हैं आधी आधी किलो के हैं कौन सा है लंगड़ा है कि कलमी है कौन सा नहीं तुम तो बताओ लेकिन हमें नहीं लगा तुम्हारे अगर आम अच्छे होते तो अभी तक तो एक आध किलो बिच जाते जब भाई नहीं हो वो नहीं आम लगी काय को तुम लंबी चौड़ी बात है माने सुनो ये सब चोर को गई है पैसा नहीं बचे तुम हम कहने अगर अच्छे आम होते तो अभी तक तो खरीद ले आते हमें अजीतपुरा वाले आते बमरोली वाले आते पछोंदने वाले आते तो भटोरा वाले आते सुनार भाई बैठे सुनार भाई तुमने बैठ के हमारे घर जीजा तुम तो काय के पे तो जा सके ना वाली नहीं बन सका देखो अभी ले रहा भी हो ये नहीं नहीं ले सुनो बे कह रहे हमें तो दांत नहीं है हमें तो एक काम करो को ले ले हम सुनो भैया को ले ले आम कह तुम तो एक काम करो आ दो फका हमें बछौने वान को दे दो आ दो दे दो हमें अजीत प्रवान को तो कोई दे दियो हमें सुनावा तो गोजे चचुरत रहे भाई मजा और पूरा नहीं ले कह रहे अगर तुम आम नहीं खा पा रहे तो तुम्हें अच्छी चीज दे रहे लेके सुनाओ कि तो चल को गई है तोरी अमिया काए बता रही ता लगा था कि बोनी हो रही तुम्हारे आमन की पेन तो हमारा छोड़ा लगा ना जाना को बच्चा और कहा हर बार दो एक दो पेन तो जाते ही आप लगा थे कि भाई से लिस्ट बन के आ रही कौन कौन से आम लेने हैं देने हैं तुम्हें नहीं जो जो से आम लेने वो कलमी लिख दे जो सो कलमी आ जाए तुम्हें क्या बात है किशोरी भतीजे के लाने फूफा कह रहे तुम चिंता नहीं करो एक सैकड़ बच्चा किलो है 100 बच्चे तुम्हें गलत साबित कर रहे तुम कह रहे आम अच्छे नहीं है